जय हिंद, भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज मैं आपके बीच इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन लेकर आया हुआ हूं। ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको 2019 के ही दो पेपर क्लियर अप कर दिए हैं जो कि आपके अलग अलग जोन के थे। ये भी अलग जोन का है, 2019 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो यदि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिस हो गए हों, जिसमें हमने करीब 2019 के दो पेपर करवा दिए हैं, फिर 18 का एक पेपर, 17 का, 16 का, 15 का, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर पहले भी करवाई हुई है। तो यदि आपसे क्लासेस मिस हो गई हों तो क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप नर्सिंग असिस्टेंट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार रफली सिलेबस जरूर देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होती है। तो देखिए, आपका जीके, ठीक है, जीके से आपके करीब 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। जीके के बाद फिर आपका आ जाएगा मैथ, मैथ से आपके करीब 5 क्वेश्चंस होंगे। मैथ के बाद फिर आपका आ जाएगा, देख लो, मैथ हो गया, मैथ के बाद आपका आ जाएगा फिर फिजिक्स, फिजिक्स से भी आपके करीब 5 क्वेश्चंस ही होते हैं। फिर आपका आता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी से आपके करीब 15 क्वेश्चंस होंगे। और फिर बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 10 जीके के, 5 मैथ के, 5 फिजिक्स के। कितने क्वेश्चन होंगे? 10, इधर 20 हो गए, और 15 15, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा ध्यान देने वाला सेक्शन कौन सा है? तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जीके सेक्शन। इन तीनों सेक्शन पे जितना हो सके उतना ध्यान देना चाहिए। और यदि आप सभी का भी एग्जाम होने वाला है तो चलिए, ये तो बात हो गई रफली सिलेबस की। और अगर आपको और डीपली से जानना हो नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को, जिसमें कि कितना मार्क्स मिलता है, कि क्वेश्चन पे क्या निगेटिव मार्किंग होता है, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो वही के टॉपिक से सवाल आएंगे, कौन से बुक बेस्ड होंगे, एनसीसी वालों का क्या होगा, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें केवल नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो यदि आपसे नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को देख सकते हो। वो नया सिलेबस है 2020 का। चलिए हम सभी स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और यदि कोई भी इशू होता है आपको इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या अगर आपको और भी कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, जल्दी मेरे द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। बता रहे हैं कि सबसे पुराना प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? एक गंधार। देखिए, आज हम सभी जो है जीके के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, मैथ के 5, फिजिक्स के 5, और 5 क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के, क्योंकि टोटल 10 जीके के, 5 मैथ के हो गए 15, 5 फिजिक्स के हो गए 20, और 5 बायोलॉजी के 25 हमारे हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो 10 बायोलॉजी के बच जाएंगे वो कर लेंगे, और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हम सब कर लेंगे। तो चलिए देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गंधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, या फिर डी वैशाली। तो देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो आपका नालंदा है, ठीक है। कौन सी विश्वविद्यालय है? तो नालंदा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल दिया गया, बोध गया में स्थित है। बताना है कि जो बोध गया है वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, या फिर डी असम में। तो देखिए, बोध गया जो है वो आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बोध गया जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल दिया गया, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बताना है कि स्वामी विवेकानंद का जो है वो मूल नाम क्या था? ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त, या फिर डी सुरेंद्र दत्त। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल कर लेते हैं। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? बताना है कि निम्न में से हम लोग किसको समाप्त कर सकते हैं पर भंग नहीं? ए राज्यसभा, बी नगर पालिका, सी ग्राम पंचायत, डी विधान परिषद। देखिए, निम्न में से जो 3 है ना उनको समाप्त भी कर सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एकमात्र ऐसा है जिसको समाप्त तो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता है, तो वह है आपका विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है कि कार्य भी समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल दिया गया, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष,
या फिर डी 45 वर्ष। बताना है कि राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितनी है, तो वो है देख लो आपका 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेंगे। 6 नंबर सवाल दिया गया, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ए 18, बी 21, सी 25 या फिर डी 28। बताना है कि भारत देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल टोटल 25 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं, ऑप्शन नंबर सी 25। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल दिया गया, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ए बुध, बी मंगल, सी शनि या फिर डी शुक्र। तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, ऑप्शन नंबर डी, और डी में क्या है, तो डी में दिया हुआ है शुक्र। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल दिया गया, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। बताना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाते हैं तो उसमें कितना समय अंतराल होता है, ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट या फिर डी 12 घंटा। तो देखिए टोटल 4 मिनट का समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में चलने पर, कितना मिनट, तो 4 मिनट। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो एक फुटबॉल टीम होती है उसमें कितना खिलाड़ी होते हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 11 या फिर डी 13। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके ऊपर में है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। नंबर 10 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, उसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो आप सब यदि प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्लास कर रहे हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, बना रहे हो, तो देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो बना रहे हो वही आ जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता हूं, मैं 100% बोल रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, समझ रहे हो आप सब। बहुत ही कम चांस होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर में, किसी भी बोर्ड में किसी भी चीज में बहुत ही कम चांस होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिपीट किया जाए, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर की क्लासेस क्यों की जाती है, प्रीवियस ईयर की क्लासेस की जाती है एक तो अपने स्कोर देखने के लिए कि हमारा एग्जाम होने वाला है, हम लोग प्रीवियस ईयर में से कितना क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं, पहला तो ये चीज हो गया, इसके लिए प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड की जाती है। और एक चीज होता है प्रीवियस ईयर अटेंड करने का मतलब कि आप देख सको कि किस टॉपिक से आर्मी कितने कितने क्वेश्चन कर रहा है, जैसे मैं मानो आप फिजिक्स के दिख रहे हो तो मेटल नॉन मेटल से कितने क्वेश्चन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन आ रहा है, पर लाइट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साउंड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर बना रहे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही हमारा वहां पे एग्जाम में आएगा, अरे ऐसा बहुत ही कम होता है भाई, बहुत ही कम चांस होती है, मैं आपको बता रहा हूँ करीब 95-90% चांस तो यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं ही मिलेंगे, क्योंकि देखो अब आर्मी जो चीज पूछ चुकी है क्या उसी को आर्मी पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। तो प्रीवियस ईयर बनाने का मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग अपना बेस चेक करें, अपना लेवल चेक करें, अपने आप को देखें कि हम लोग प्रीवियस ईयर में से कितना क्वेश्चन सही सही बना पा रहे हैं, और एक चीज देखें कि किस किस टॉपिक से आर्मी कितने कितने क्वेश्चंस करती है, इस चीज के लिए प्रीवियस ईयर बनाया करें, एक ट्रैक लेने के लिए, ये नहीं कि जो बना रहे वही आ जाएगा, क्योंकि देखो मेरे को ये बोलने से नुकसान होने वाला है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, जो बना रहे हो क्वेश्चन यहां पे, जो प्रीवियस ईयर पूछा है आरपी 2019 में वही आपका इस बार जो 2020 में एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का है। हां अपना लेवल देखो, चेक करो अपने आप को कि जो आर्मी 2019 में क्वेश्चन की थी उनमें से आप कितने क्वेश्चन सही सही बना पा रहे हो, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है 2020 में 1 नवंबर के करीब। और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर बना रहे हो तो एक और चीज के लिए बनाओ कि टॉपिक्स देख पाओ कि इंडियन आर्मी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन करती है, जैसे देखो यहाँ पे 10 नंबर सवाल जो है वो दिया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब ये डे से एक क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्यों ना सारे के सारे दिवस को याद कर लिए जाए। तो ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, टॉपिक समझने के लिए ही प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड की जाती है, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड कर ली इसके मतलब जो क्वेश्चन बना रहे हो ना वही आएगा, समझ गए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर में अपनी स्कोर चेक करो और उन टॉपिक्स को समझो, जिस जिस टॉपिक्स इंडिया में क्वेश्चंस करती है उन टॉपिक्स को नोट करो और उन्हीं टॉपिक्स को जाके घर पे पढ़ाई करो अलग बुक से, ये नहीं कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही आएगा, ऐसा गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहने का है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल देख लेंगे। दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है,
ऑप्शन है आपका ए 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 11 मार्च या फिर डी 4 अप्रैल। तो देखिए 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है, कब? तो 8 मार्च। चलिए अब यहाँ पे हमारा जीके सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम सभी 11 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं मैथ सेक्शन, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, तो 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन जो है हमारे होने वाले हैं मैथ के। तो चलिए देखते हैं मैथ को। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया, किसी संख्या का 35% यदि 140 है तो संख्या ज्ञात करें। हमें संख्या पता करना है कितना प्रतिशत है वो भी दिया हुआ है, और उतना प्रतिशत करने के बाद कितना आता है वो भी दिया हुआ है। तो हमें संख्या पता करनी है कि किस संख्या का प्रतिशत जो है उतना होता है। तो यहाँ माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है देखेंगे ध्यान से, तो दिया हुआ है संख्या का 35% बराबर 140। संख्या कितनी हो गई x, का मतलब गुना, और 35% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर में हो गया आपका 140, ठीक है। अब x बराबर क्या कर लेंगे, 140 बटा में कितना हो गया आपका, तो 140 बटा में आ गया आपका देख लो 35 और फिर बटा में 100, ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब भिन्न का भाग हो गया, तो दिन का भाग आप सभी ने बनाया है 140 बटा 1, ये तो सेम रहेगा लेकिन ये पलट जाएगा, गुना का चिन्ह होगा और ये पलटेगा और ऊपर हो जाएगा आपका 100 और नीचे आ जाएगा 35। ये हो गया 35 से जब कट करोगे तो 35 चौका होता है 140, 35 दूनी 70 चौका 140, तो क्या आ रहा है हमारा, हमारा हो गया देख लो 4 गुना 100, तो 4 गुना 100 कितना हो गया 400, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 12 12 नंबर सवाल दिया गया, 128 का घातांक है 2/7 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आराम से पहले इसको लिख लेंगे, इसका घातांक कितना है 2/7, तो पहले क्या करेंगे 128 को तोड़ेंगे। चलिए 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में कटेगा 32, 2 से ये 8 बार में, 2 से ये 4 बार में, और फिर 2 से 2 बार में, कितना आ रहा है फिर, चलिए लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 हो गया और फिर यहाँ पे हो गया आपका 2/7। इसको मिटाते हैं, इरेज कर देना इसको, चलिए इतना हो गया, क्या हो गया कट हुआ 2 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, 7 तो है तो लिख देंगे 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, और गुना में क्या था 2/7, 7 से 7 कट गया तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है आप सब भी जानते हो 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे। 13 नंबर सवाल दिया गया, टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कॉस 31 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ठीक है। जो दिया गया पहले ना उसको लिखते हैं, टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री और माइनस में आपका हो गया देख लो कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, माइनस 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल दिया गया, 0.5 × 0.25 × 2.08 इक्वल टू व्हाट, कितना होगा ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं आराम से, 0.5 × 0.25 × 2.08। अब देखिए क्या करते हैं ना, दशमलव के गुना का नियम है, ठीक है, दशमलव के मल्टीप्लिकेशन का, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का एक नियम है, एक रूल है कि जब भी गुना करो तो भी डेसिमल को ध्यान में ना रखो, सिंपल पहले गुना करिए उसके बाद डेसिमल को देखा जाएगा, पहले सिंपल गुना करते हैं। तो यहाँ पे भी कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 25 है, तो 25 पचे कितना हो गया, तो 25 पचे देख लो आपका होता है 125, अब 125 हो गया और 208, तो क्या करेंगे 208 में जो है, ये 208 अभी डेसिमल को ध्यान में नहीं रखेंगे, सिंपल करेंगे 208 है अभी, ये 208 में गुना करना है 125, 125 कैसे आया, तो ये 5 था, ठीक है, डेसिमल को ध्यान में रखेगा तो ये 25 था, तो 25 गुना 5 जब करोगे तो 125 होता है।
अब 208 गुना 125 है, 208 कैसे हुआ ये डेसिमल ध्यान में नहीं रखा, तो ये 208 हो गया। अब गुना करेंगे 8 बचे 40 का जीरो हासिल 4, 5 से जीरो में तो जीरो ही आएगा, 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 2 से 8 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 में जीरो से तो जीरो 1 ही होगा और 2 दूनी 4, चलिए ठीक है। और 1 से टोटल में कर देंगे तो 208 ही आएगा, हो गया 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल जो था वो 10 हो गया, फिर से हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल हो गया 6, और ये 2 का दे कितना आ रहा है 2600 आ रहा है हमारा, लिख लेंगे 26000 आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे डेसिमल कितना था, यहाँ पे दो अंक के बाद देखिए दशमलव के गुना में जो डेसिमल है, जो दशमलव है वो जुटते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो अंक के बाद था, यहाँ पे दो अंक के बाद था, हो गया टोटल 4 अंक, यहाँ पे एक अंक के बाद था, हो गया टोटल 5 अंक, मतलब कि दशमलव अगला हम सब बैठाएंगे 5 अंक के बाद, तो 5 अंक के बाद दशमलव कैसे बैठेगा, तो देखो 2600 5 अंक के बाद बैठा है 1 2 3 4 5, मतलब कि डेसिमल यहाँ पे दशमलव यहाँ पे बैठेगा, तो यदि आगे कुछ भी ना हो दशमलव हो तो आगे एक जीरो हम लोग ऑटोमेटिक लगा देते हैं जिससे कि ये सुटेबल लगे। चलिए ये आ गया हमारा, देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखोगे तो 0.26 और पीछे 3 जीरो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद पीछे जो है जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, यही अगर आगे रहता, यहाँ पे आगे रहता तो दशमलव का महत्व होता, लेकिन दशमलव के पीछे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 0.26, और ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब हम सभी मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल है, मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बना रहे हो उन सबको नोट जरूर करते चलना, ठीक है। अपना टेस्ट लो, कितना सही कर पा रहे हो वो देख लो, और जो आपको नहीं आता है, ठीक है, जो आपको नहीं आता है, जो आपको याद ना हो उसे नोट जरूर कर लेना, और नोट करके याद जरूर करते चलना, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। हो सकता है शायद एग्जाम में आ भी जाए, ऐसा नहीं है कि ना ही आएगा, आ भी सकता है, लेकिन चांस बहुत कम होता है, लेकिन क्या हर्ज है, क्वेश्चंस याद जरूर करते चलने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बात तो हो गई कि ये आप जितना क्रैक कर पाओ, जितना अपना स्कोर देख रहे हो वो चेक कर लो, ठीक है, और स्कोर चेक करने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट जरूर करते चलना, उसको याद जरूर करते चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए ए प्लस बी, बी ए माइनस बी, सी टू ए बी, या फिर डी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया, मैथ सेशन कंप्लीट। अब 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, 16, 17, 18, 19 और 20, ये पांच क्वेश्चन जो है हमारे फिजिक्स के होंगे, क्योंकि टोटल आपके पांच क्वेश्चन फिजिक्स के सिलेबस से आते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल दिया गया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, ए 3, बी 4, सी 5, या फिर डी 7। तो देखिये श्वेत प्रकाश जो है वो टोटल 7 रंगों के मेल से बना होता है, ऑप्शन नंबर डी एंड इट्स 7। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल देख लेंगे, 17 17 नंबर सवाल दिया गया, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ए ध्वनि से, बी जनसंख्या से, सी मनोविज्ञान से, या फिर डी प्रकाश से। तो देखिए डॉपलर प्रभाव जो है, डॉपलर इफेक्ट, वो आपका संबंधित है ध्वनि से, किसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या है, तो ध्वनि। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल दिया गया, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, ए पराबैंगनी किरण, बी औरक्त किरण, सी कॉस्मिक किरण, या फिर डी प्रकाशीय किरण। तो देखिए सूर्य विकिरण का जो है औरक्त किरण का भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है, तो वो है औरक्त किरण। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर सवाल देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर सवाल दिया गया, बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, बताना है कि बर्नौली का सिद्धांत जो है वो किसके संरक्षण के बारे में उसमें बताया गया है, किसके बारे में बोला गया है, ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी रैखिक संवेग, या फिर डी दाब। तो देखिए ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बर्नौली के सिद्धांत में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। चलिए हम सभी फिजिक्स सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल देख लेंगे, नंबर 20 और फिजिक्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ पानी में तैरती है किंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, बताना है कि पानी के ऊपर जो है बर्फ तो तैरती है लेकिन अल्कोहल क्यों डूब जाता है, ए पानी अल्कोहल के ऊपर क्या पारदर्शी होता है, बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है,
या फिर डी बर्फ पानी से हल्की तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, बर्फ पानी से हल्का होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, लेकिन बर्फ का घनत्व अल्कोहल से ज्यादा होता है, बर्फ का जो भार है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, इसलिए बर्फ जो है अल्कोहल में डूब जाती है। लेकिन पानी से बर्फ का भार कम होने की वजह से, बर्फ का घनत्व कम होने की वजह से पानी में जो है वो तैरते रहती है। तो चलिए हमारा यहाँ पे फिजिक्स सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 से बायोलॉजी सेक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 21 21 नंबर सवाल दिया गया, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? बताना है कि कौन सी गैस जो है वो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। ए फ्रियोन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी इथेन। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान करती है, CO2। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल देख लेंगे। 22 नंबर सवाल दिया गया, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए फिजियोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी बायोकेमिस्ट्री या फिर डी डर्मेटोलॉजी। तो देखिए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी डर्मेटोलॉजी। और जो मानव त्वचा के जो डॉक्टर होते हैं, जो त्वचा के डॉक्टर स्किन एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें डर्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, त्वचा के, मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं मानव त्वचा के, जो डॉक्टर होते हैं स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको डर्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल देख लेंगे। 23 नंबर सवाल दिया गया, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? ए डार्विन, बी वेलेस, सी मेंडल या फिर डी लैमार्क। तो देखिए अनुवांशिकता के जिन्होंने नियम दिया था, जो अनुवांशिक गुणों के बारे में जिन्होंने बताया था, वंशानुगत जिन्होंने गुणों के बारे में बताया था कि कुछ बीमारियां वंशानुगत चलती हैं, ये अनुवांशिक होती हैं, तो उसके बारे में जिन्होंने बताया था, तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता थे मेंडल। ठीक है, इन्होंने की थी अनुवांशिकता के नियम की जन्म, तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है मेंडल, ऑप्शन नंबर सी मेंडल। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल दिया गया, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? बताना है कि किस स्थान पे मनुष्य के शरीर में त्वचा सबसे मोटी होती है? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी धड़ पर या फिर डी सिर पर। तो देखिए तलवे पर की त्वचा जो है मनुष्य की सबसे मोटी होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल दिया गया, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? बताना है कि मनुष्य में जो मोटापा होता है वो निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, कौन ज्यादा हो जाता है तो मनुष्य में मोटापा हो जाता है? ए शर्करा, बी वसा उत्तक, सी ग्लूकोज, सी सुक्रोज या फिर डी ग्लूकोज। तो देखिए वसा उत्तक, जिसको कि ऐसे इंग्लिश में फैट भी बोला जाता है, जब ये शरीर में जमा होता है तब जाके शरीर में मोटापा फैलता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकर आएंगे आपके लिए 2019 के ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट टू को। आज हमारा पार्ट वन हो गया 25 तक, नेक्स्ट हम सभी 26 से लेके 50 तक कर लेंगे, जो हमारा पार्ट टू होगा नेक्स्ट कल ही आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।